नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय सांख्यिकी का भाग दो पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना और दूसरा पग विचलन विधि से ज्ञात करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, माध्य हम तीन विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि और तीसरा है पग विचलन विधि, जिसमें से अभी हमने पढ़ लिया है प्रत्यक्ष विधि। अब हम सीखेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना और पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना। तो चलिए एक एक करके इन दोनों विधि को जानते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है x दंड बराबर a योग सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर a क्या होता है। a यहाँ पर होता है कल्पित माध्य और di बराबर होता है xi घटा a के। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका प्रयोग हम कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने में करेंगे। अब हम बढ़ते हैं पग विचलन विधि की ओर। पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है x दंड बराबर a योग सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi गुणे h। इस विधि में भी a हमारा होता है कल्पित माध्य और ui हम ज्ञात कर सकते हैं xi घटा a बटे h ज्ञात करके, और h होता है हमारा वर्ग माप। इस सूत्र को भी आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग हम करेंगे पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने में। तो चलिए एक एक उदाहरण से हम सीखते हैं कि किस तरह हम ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य और पग विचलन विधि द्वारा माध्य। हमारा लिया गया प्रश्न है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। स्क्रीन पर आपको वह बंटन दिख रहा होगा। कल्पित माध्य विधि से माध्य दैनिक मजदूरी निकालिए। तो चलिए अब हम कल्पित माध्य विधि द्वारा दैनिक मजदूरी का माध्य ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हल में हम सबसे पहले जो हमारी दी गई बंटन सारणी होती है उसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, जिसमें एक तरफ होता है दैनिक मजदूरी रुपयों में, दूसरी ओर होता है श्रमिकों की संख्या। कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करने में हम तीन और कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम होगा xi का, फिर हम ज्ञात करेंगे di और फिर हम ज्ञात करेंगे fi di। तो चलिए अब हम इन लिए गए वर्ग अंतराल का xi ज्ञात करेंगे। xi आपको ज्ञात करके यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि xi हम ज्ञात कर सकते हैं हमारे लिए गए वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली वर्ग सीमा का योग करके और फिर उसे दो से भाग देकर। तो यहाँ पर हमारे पहले वर्ग अंतराल का xi आया है 110, दूसरे वर्ग अंतराल का xi आया है 130, तीसरे वर्ग अंतराल का xi आया है 150, चौथे वर्ग अंतराल का xi आया है 170 और पांचवें वर्ग अंतराल का xi आया है 190। इसके बाद जो हमारा दूसरा चरण होता है वो होता है कल्पित माध्य को चुनना। कल्पित माध्य हम हमारे प्राप्त किए गए xi के माध्य में जो आता है उसे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो सभी xi हैं, इनका माध्य है 150। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि 150 हमारा a है, यानी कि कल्पित माध्य है। अब जब हमने कल्पित माध्य प्राप्त कर लिया है, तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं di। di हम किस तरह ज्ञात करेंगे? di हम ज्ञात करेंगे xi घटा a को हल करके। a है हमारा यहाँ पर 150, तो यहाँ पर di हमारा आएगा xi घटा 150 को हल करके। तो चलिए हमारे लिए गए वर्ग अंतराल के di ज्ञात करते हैं। हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का di आएगा 110 घटा 150
यानी कि घटा 40। हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का डीआई आ जाएगा 130 घटा 150 यानी कि घटा 20। हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का डीआई आ जाएगा 150 घटा 150 यानी कि शून्य। हमारे चौथे वर्ग अंतराल का डीआई आ जाएगा 170 घटा 150 यानी कि 20। हमारे पांचवे वर्ग अंतराल का डीआई आ जाएगा 190 घटा 150 यानी कि 40। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतराल के डीआई को भी ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे एफआईडीआई। एफआईडीआई हम कैसे ज्ञात करेंगे? एफआईडीआई हम ज्ञात कर सकते हैं एफआई को गुणा करके डीआई से। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी वर्ग अंतराल के ज्ञात करेंगे एफआईडीआई। हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का एफआईडीआई आ जाएगा 12 गुणे घटा 40, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा 480। हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का एफआईडीआई आ जाएगा 14 गुणे घटा 20 अर्थात घटा 280। हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का एफआईडीआई आ जाएगा 8 गुणे शून्य यानी कि शून्य। हमारे चौथे वर्ग अंतराल का एफआईडीआई आ जाएगा 6 गुणे 20 यानी कि 120। हमारे पांचवे वर्ग अंतराल का एफआईडीआई आ जाएगा 10 गुणे 40 यानी कि 400। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतराल के एफआईडीआई भी ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम सभी एफआईडीआई का योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हमारा सभी एफआईडीआई का योग आ जाएगा घटा 240। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है सिग्मा एफआईडीआई बराबर घटा 240, सिग्मा एफआई बराबर 50, ए है हमारा यहाँ पर 150। तो अब हमारे पास ए भी है, सिग्मा एफआई भी है और सिग्मा एफआईडीआई भी है। तो चलिए अब हम सूत्र का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करते हैं। तो कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो है ए योग सिग्मा एफआईडीआई बटे सिग्मा एफआई। चलिए अब हम यहाँ पर इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 150 योग घटा 240 बटे 50, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 145.2 और यही हो जाएगा हमारा माध्य दैनिक मजदूरी का। तो इस तरह हम कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करते हैं। पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए भी हमने बिल्कुल उसी प्रश्न का प्रयोग किया है। चलिए सीखते हैं हम अब पग विचलन विधि। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हम सारिणी बनाएंगे जिसमें एक कॉलम में होगा हमारा दैनिक मजदूरी, दूसरे कॉलम में होगा हमारा श्रमिकों की संख्या, तीसरे कॉलम में हम ज्ञात करेंगे दिए गए वर्ग अंतरालों के XI जो कि होता है वर्ग चिन्ह, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे UI और फिर हम ज्ञात करेंगे FIUI। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा कार्य। स्क्रीन पर आपको जो सारिणी मिल रही है उसमें हमने XI सभी वर्ग अंतरालों के ज्ञात करके लिखे हुए हैं। तो हमारे पहले वर्ग अंतराल का XI हमें प्राप्त हुआ है 110, दूसरे वर्ग अंतराल का XI है 130, तीसरे वर्ग अंतराल का XI है 150, चौथे वर्ग अंतराल का XI है 170 और पांचवे वर्ग अंतराल का XI है 190। और ये सभी XI हमने ज्ञात किया है हमारे जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं उसकी ऊपरी और निचली वर्ग सीमा का योग करके, उसे फिर 2 से भाग देकर। पग विचलन विधि में भी हम कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो सभी XI प्राप्त किए गए हैं उसका माध्य है 150 और यही हो जाएगा हमारा कल्पित माध्य। तो यहाँ पर A जो है हमारा वो है 150। चलिए अब हम ज्ञात करेंगे UI। UI ज्ञात करने का जो सूत्र था वो था XI घटा A बटे H। H होता है हमारा वर्ग माप और यहाँ पर हमारा जो वर्ग माप है वो है 20। तो UI हम ज्ञात करेंगे XI घटा 150 जो कि हमारा कल्पित माध्य है बटे B जो कि हमारा H है। इसे हल करके हम ज्ञात करेंगे UI। तो चलिए एक एक करके सभी वर्ग अंतराल के UI ज्ञात करते हैं। हमारे पहले वर्ग अंतराल का UI हमें प्राप्त होगा घटा 2।
हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का UI हमें प्राप्त होगा घटा एक, हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का UI हमें प्राप्त होगा शून्य, हमारे चौथे वर्ग अंतराल का UI हमें प्राप्त होगा एक, हमारे पांचवें वर्ग अंतराल का UI हमें प्राप्त होगा दो। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतराल के UI ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए चाहिए FI UI। तो चलिए अब हम ज्ञात करेंगे हमारे सभी वर्ग अंतरालों के FI UI। FI UI हम ज्ञात करेंगे FI को गुणा करके UI से। तो चलिए शुरू करते हैं हम FI UI ज्ञात करना। हमारे सबसे पहले वर्ग अंतराल का FI UI आ जाएगा 12 गुणे घटा 2 अर्थात घटा 24। हमारे दूसरे वर्ग अंतराल का FI UI आ जाएगा 14 गुणे घटा 1 अर्थात घटा 14। हमारे तीसरे वर्ग अंतराल का FI UI आ जाएगा 8 गुणे शून्य यानी कि शून्य। हमारे चौथे वर्ग अंतराल का FI UI आ जाएगा 6 गुणे 1 यानी कि 6। हमारे पांचवें वर्ग अंतराल का FI UI आ जाएगा 10 गुणे 2 यानी कि 20। तो इस तरह हमने सभी वर्ग अंतराल के FI UI ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम हमारे प्राप्त किए गए सभी FI UI का योग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सभी FI UI का योग आ जाएगा घटा 12। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमें पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए चाहिए σFI और σFI UI। तो आइए अब इस सारणी से हम ज्ञात करते हैं σFI UI, σFI। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा कि σFI UI बराबर है हमारा घटा 12 के और σFI बराबर है हमारा 50 के। A है हमारा 150 और H है हमारा 20। तो अब हमें पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी पद चाहिए थे वो सभी हमारे पास आ गए हैं। तो चलिए सूत्र का प्रयोग करके माध्य ज्ञात करते हैं। पग विचलन विधि के द्वारा माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है A योग σFI UI बटे σFI गुणे H। जब हम यहाँ पर इस सूत्र में इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 150 योग घटा 12 बटे 50 गुने 20, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 145.2। तो इस तरह हमने पग विचलन विधि के द्वारा माध्य इस प्रश्न का ज्ञात किया जो कि आया है 145.2। तो अब आपने माध्य ज्ञात करने की तीनों विधि सीख ली है। अब आप किन्हीं भी विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर सकते हैं और इस पर आधारित प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इस पर आधारित प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा माध्य ज्ञात करना कल्पित माध्य विधि के द्वारा, जिसका सूत्र होता है x दंड बराबर A योग σFI DI बटे σFI, और पग विचलन विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना जिसका सूत्र होता है x दंड बराबर A योग σFI UI बटे σFI गुणे H। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे बहुलक, जिसे हम इंग्लिश में मोड कहते हैं। धन्यवाद।